manirahim as alaikum students welcome to dubai international public school and college virtual class uh, i'm sadia rahil hope you all students will be fine uh, this is your arts class uh, and the subject is home economics so uh, before going to start the um, chapter uh, i'm going to tell you that uh, i have already discussed scheme of study with you कि हमारी होम इकोनॉमिक्स की जो बुक है इसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं मैं ये स्कीम ऑफ स्टडी में आपको डिटेल से बता चुकी हूँ सो so, फहरिस्त देख लेते हैं ये आपके पास uh, सेकेंड ईयर की जो uh, चैप्टर्स हैं उनकी एक फहरिस्त है और ये मैंने डिटेल से स्कीम ऑफ स्टडी का जो लास्ट मैंने लेक्चर डिलीवर किया था उसमें मैं ये तमाम जो चैप्टर्स हैं वो डिस्कस कर चुकी हूं कि हमने कितने uh, जो है इसमें uh, दो टर्म्स के अंदर हमने कितने कितने चैप्टर्स को स्टडी करना है

डेफिनेशन के गजा असल में होती क्या है आप रोजमर्रा जो खाने पीने की अशिया इस्तेमाल करते हैं वो आपको कुछ ठोस फॉर्म में और कुछ जो है सॉलिड और कुछ जो है लिक्विड सियाल फॉर्म में मिलती है सो वो हमारे जिसम के अंदर जो है वो हमारी कुत मदाफत को बढ़ाती है ठीक है और डेविडसन ने अच्छी गजा की तारीफ कुछ इस तरह से की है कि मुनासिब ग मुराद सिर्फ ये ही नहीं कि एक फर्द को तमाम गजाई जरूरी गजाई अज्जा हासिल हो जाए बल्कि ये बात भी अहमियत रखती है कि ये इज्जा बसानी हजम भी हो जाए यानी बैलेंस डाइट तो उसको मिल रही है लेकिन उसके साथ साथ उनका हजम होना भी बहुत जरूरी है ये जरूरी गजाईजा रोजाना की खुराक से हासिल होते हैं और इनमें क्या क्या चीजें शामिल हैं प्रोटीन चिकनाई कार्बोहाइड्रेट नमकियात हयातीन और पानी ठीक है ये तमाम वो गजाई जरूरीत हैं जो बुनियादी गजाएं कहलाती हैं स्टेपल फूड कहलाती हैं नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे गजा के मकासद बेसिक फंक्शन ऑफ फूड बेसिक फंक्शन ऑफ फूड क्या क्या है इसमें अभी मैं आपको तमाम जो है वो डिस्कस करके और डिटेल से इनको बताती चाहूंगी जिसमानी नशनुआ और सेहत और तंदरस्ती के लिए खुराक बहुत जरूरी है ये तो आप सब जानते हैं कि खुराक के बगैर जिंदा रहना नामुमकिन है इसमें क्या क्या, -क्या चीजें शामिल है हवा पानी के बाद हमारी जिंदगी का दारोमदार जो है वो गजा पर होता है गजा के लिए जो है ये बुनियादी मकासद हैं जो यहाँ पे बयान कर रही हूं खुराक जिसम को कवतारत तो फ्राह्म करती है नंबर दो है खुराक जिसमानी खलियात की तमीर और नशनुमा करती है और नंबर तीन है खुराक जिसमानी निज़ामों को बरकरार रखती है खुराक के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता कम खुराक खाने से इंसान जो है वो कमजोर बीमार और बीमार हो जाता है और बहुत सी अमराज जो हैं वो उनका शिकार हो जाता है सो वन बाय वन डिस्कस करेंगे नंबर वन को हम डिस्कस करेंगे खुराक जिसम को कुत वरारत फराहम करती है हमारा जिसम जो है मुसलसल काम में मसरूफ रहता है इसलिए गजा जिसम में हजम होकर खुलियों सेल्स तक जो है पहुंचती है और वहां अमले तकसीद होता है जिससे इंसानी जिसम हीट और एनर्जी को जज्ब करता है और यही एनर्जी जो है दिन भर काम करने में हमारी मदद देती है मसलन जैसे हम उठते बैठते हैं खाना खाते हैं पानी पीते हैं लिखते हैं पढ़ते हैं या सांस सांस ले, लेते हैं ये तमाम जो काम है ये इसमें खुराक जिसम को कुत वरारत इसमें फ्राह्म करती रहती है ठीक है अब हम नंबर टू को डिस्कस करेंगे खुराक जिसमानी खलियात की तमीर और नशनुमा करती है हमारा जिसम जो है वो मुख्तलि खलियात का मजमू है डिफरेंट आपको पता है सेल्स जो हैं वो उससे मिलकर जो बना है हमारा जिसम जो है वो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है हड्डियाँ रग रेशे बाल और नाखन वगैरह खुराक नए खलियात की तजीद बहाली का काम सर अंजाम देती है यानी इससे नए खलियात जो है वो जो है नशनुमा पाते हैं खुराक इन खलियात की मरम्मत करती है जो दिन रात काम में मसरूफ रहते हैं नंबर तीन खुराक जिसमानी निज़ामों को बरकरार रखती है खुराक के जरिए हमारे जिसम के तमाम अफवाल बरकरार रहते हैं इंसानी जिसम बजायर तो मुकम्मल जिसम की तरह हमारे सामने है जो हड्डियों का मजमु है और आप जैसे कि आप जानते हैं हमारा जो जिसम है वो कुल दो सौ छः हड्डियों पर मुश्तम है लेकिन अंदरूनी तौर पर इसमें कई निजाम अपना काम इंफरादी तौर पर भी सर अंजाम दे रहे होते हैं जिनमें क्या क्या शामिल है निज़ाम तनफस निज़ाम निजाम, निज़ाम निज़ाम खवास हमसाह एसाबी निज़ाम वगैरह ठीक है डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा और इसके अलावा फाइव सेंसेस हैं और निज़ाम खाश हमसा और एसाबी निज़ाम जो है ये हमारे इसमें शामिल हैं, फिर नेक्स्ट जो है खुराक के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता यानी इंसान को गर मुनासिब या बैलेंस डाइट ना मिले तो उसके बगैर उसका जिंदा रहना जो है नामुमकिन है अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेते तमाम कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन चिकनाई वगैरह ये सब कुछ अगर हमारी खुराक में शामिल नहीं है तो कुछ अर्से तक जिसम जो है वो आ, काम करेगा लेकिन उसके बगैर जो है वो लागर हो जाएगा और तरह तरह की बीमारियां जो है वो इंसानी जिसम पर अटैक करती है और फिर इंसान के अंदर से कुत मदाफियत खत्म हो जाती है यानी खुराक के बगैर जिंदा रहना नामुमकिन है और ये बहुत मुश्किल है सो so, ये आज का लेक्चर जो है वो आपका यहां पर कंप्लीट होता है हाँ, आपको होम टास्क दे रही हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वन टू ट्वेंटी आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स पे राइट करने हैं और इनको ये फोर ऑप्शनल हैं और राइट ऑप्शन जो है आपकी बुक के ऊपर ही इसको राइट ऑप्शन को टिक किया हुआ है ऑलरेडी सो आप लोगों ने ये साथ साथ अपनी नोटबुक्स पर लिखने हैं नेक्स्ट यहां से आगे जो है अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे ओके तब तक अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज रजा की अहमियत ग़ज़ा का मकसद इंसान की बका इसके एजाज जिसम की नशनुमा मरम्मत और काम करने के लिए इनको तो पहुंचाना है इससे इंसान की हर तरह की सलाहियत और इस्तात को क़ुत मिलती है क्या में सेहत और बकाए हयात के लिए गजा एक नहायत ही जरूरी चीज है वरना इसके बगैर किसी जानदार की जिंदगी का बरकरार रहना नामुमकिन है अच्छा सेहत की तारीफ से मुराद जो है वो सिर्फ किसी बीमारी का ना होना ही नहीं बल्कि जिस्मानी और जहनी तंदरुस्ती भी है गेहूँ चावल मकई बाजरा इंसान की बुनियादी खुराक बेसिक फूड्स कहलाती हैं जो कि इंसानी जिस्म को कुत व हरारत खलियात की तजदीद बहाली और निज़ामों को दुरुस्त रखने में मावन और मददगार साबित होती हैं यानि ये तमाम वो मतवाजन गज़ाएँ हैं जो जिसम को जो है वो क़वत मदाफ़त फराम करती हैं इंसानी जिसम की जो साख है और अफहाल के लिहाज से इस एक जो मशीन या इंजन की मानत है जैसे एक मशीन होती है और मशीन को भी जो है वो मुनासिब तौर पर काम करने के लिए ईंधन यानी कोयला पेट्रोल पानी हवा और तेल की जरूरत होती है इसी तरह जिसम को अपनी बकाव नशनुमा के लिए ईंधन यानी खुराक की जरूरत होती है जिसम का ईंधन क्या है खुराक यानी जब तक उसको खुराक सही तरीके से या मतवाजन गजा मिलती रहेगी तो वो सही तरीके से काम करना आ, काम करना स्टार्ट करता रहेगा या काम करना आ, होता रहेगा मशीन और इंसानी जिसम में एक फर्क ही है कि मशीन ईंधन के खत्म होते ही काम बंद कर देती है और जबकि इंसानी जिसम जो है इस खूबी का हामिल है कि कुछ अरसे तक खुराक न मिलने के बावजूद भी काम करता रहता है ठीक है यानी अगर आप मतवाजन गजा नहीं भी ले रहे हो तो कुछ टाइम तक जो है वो आपके जो खलियात हैं वो आपको तवनाई जो है फराहम करते रहते हैं लेकिन ये एक एक ही मुक्र हद तक होता है इससे यानी लगातार अगर आप बैलेंस डाइट नहीं लेंगे और खुराक नहीं लेंगे तो ये साथ साथ नहीं चलता रहेगा बल्कि आपका एक एक वक्त ऐसा आएगा जब जिसम जो है उसमें से कुत मुदाफियत खत्म हो जाएगी ठीक है नेक्स्ट टॉपिक है मतवाजन गजा मतवाजन गजा क्या होती है अब आपके पास स्टेपल फूड्स या बैलेंस डाइट जो है वो क्या चीज है मतवाजन गजा वो गजा है जो हमारी सेहत और नशनुमा की जामिन है अब इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं दूध अंडे गोश्त सब्जियां और फल ये जो है मतवाजन गजा ये ऐसी गजाएं हैं जिन पर हमारी जिंदगी का दारोमदार होता है और जो पेट भर के खाने से हमारी जिस्मानी जरूरियात पूरी हो सकती हैं। ये बुनियादी गज़ाएँ स्टेपल फूड्स कहलाती हैं